My professional career started in Melbourne. Sorry, guys. भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया ओपन में आखिरी मैच खेलने के बाद भावुक हो गई। वह अपने जोड़ीदार रोहन बोपन्ना के साथ मिक्स डबल्स के फाइनल मुकाबले में उतरी थी, जहां भारतीय जोड़ी को हार मिली। खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी को ब्राजील की जोड़ी लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस ने 6-7, 2-6 से हराया। टेनिस करियर का आखिरी मैच खेलने के बाद सानिया मिर्जा की आंखें भराई। ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स डबल्स में हारने के बाद सानिया मिर्जा भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मेरा प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 2005 में मेलबर्न से हुई थी। ग्रैंड स्लैम करियर को अलविदा कहने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। इस दौरान उन्होंने सभी के प्रति आभार जताया। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील की विजेता जोड़ी को खिताबी जीत की बधाई दी। सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। वह डबल्स में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी रही। वह भारत की इकलौती टेनिस खिलाड़ी है जो WTA सिंगल्स की रैंकिंग में टॉप 30 तक पहुंची। उन्होंने अपने टेनिस करियर में डबल्स में 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1 बार फ्रेंच ओपन, 1 बार विंबलडन और 2 बार US ओपन का खिताब जीतने में सफल रही। लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद सानिया भारत की तीसरी टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने डबल्स और मिक्स डबल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वहीं सानिया मिर्जा के पति और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने भी उनके प्रति प्यार और सम्मान जताते हुए भावुक भरा ट्वीट किया। शोएब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, सानिया खेलों में सभी महिलाओं के लिए एक उम्मीद है। आपने जो करियर में हासिल किया है उसके लिए आप पर बहुत गर्व है। आप कई लोगों के लिए प्रेरणा है। मजबूत बनी रहो। आपके अविश्वसनीय करियर के लिए बहुत बहुत बधाई। इस ट्वीट को देखने के बाद लगता है कि स्टार कपल के बीच तलाक की खबरें महज अफवाह है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।